नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में और खास तौर से प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में एक टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है जो कि नॉर्मली सभी डॉक्टर आपके करवाते हैं, जिसको कि कार्डियो टोकोग्राफी या फिर CTG टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के दौरान आपको कोई दर्द नहीं होता, ना ही कोई उपकरण आपके शरीर के अंदर डाला जाता है। यह बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है और यह टेस्ट आपके बेबी की स्थिति को जांचने के लिए किया जाता है, मतलब ये कि आपके बच्चे की दिल की धड़कन को जांचने के लिए किया जाता है। CTG टेस्ट को नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है यानी कि NST भी कहा जाता है। और दोस्तों, यह इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इस समय आपका बेबी जो है प्रसव के यानी कि लेबर के टेंशन में नहीं रहता, तनाव में नहीं रहता है और इस टेस्ट के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कि आपके बेबी को तनाव हो या फिर आपके बेबी को किसी प्रकार की परेशानी हो। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपके बेबी के दिल की धड़कन की जांच करेंगे। जब आपका बच्चा आराम कर रहा होता है तो उसके दिल की धड़कन कैसी है, कितनी गति से चल रही है, और जब आपका बेबी हिल रुल रहा होता है, गतिशील होता है, तो उस समय आपके बच्चे की दिल की धड़कन कितनी है ये देखा जाता है। क्योंकि जब आपका बेबी आराम कर रहा होता है तो उनके दिल की धड़कन कम होती है, लेकिन जब आपका बच्चा हिलता है, डुलता है, हलचल करता है तो आपके बेबी की दिल की गति तेज हो जाती है। तो नॉर्मली बेबी के दिल की जो गति होती है 120 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट होता है, यानी कि 120 से लेकर 160 बार आपके बेबी की दिल की धड़कन एक मिनट में धड़कती है। और जब आपका बच्चा हलचल करता है तो आपके बेबी की दिल की गति और तेज़ हो जाती है। दोस्तों, जब आपका बच्चा हिलता है, डुलता है और जब आपका बच्चा आराम कर रहा होता है तो आपके बच्चे की दिल की धड़कन को देखा जाता है और इससे यह पता लगाया जाता है कि जो अपरा है, प्लेसेंटा है, गर्भनाल है, उससे आपके बेबी को ठीक से ऑक्सीजन मिल रही है या फिर नहीं। अगर ऑक्सीजन ठीक से मिल रही है तो आपका बच्चा ठीक से हलचल करेगा, नहीं मिल रही है तो आपका बच्चा ठीक से हलचल नहीं करेगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ब्रैक्सटन हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि फॉल्स लेवर पेन भी होते हैं। तो डॉक्टर ये भी देखते हैं कि संकुचन होने पर आपके बेबी की दिल की गति किस प्रकार से चल रही है, यानी कि संकुचन के समय आपके बच्चे का जो हार्ट होता है वो किस तरीके से प्रभावित होता है। तो नॉर्मली सभी महिलाओं को यह टेस्ट करवाना चाहिए या फिर डॉक्टर करवाते ही हैं, लेकिन दोस्तों कुछ विशेष स्थिति होती है जिसमें कि यह जाँच करवाना ही पड़ता है। वो कौन कौन सी स्थिति है चलिए जानते हैं। सबसे पहला ये है कि यदि आपको लगता है कि आपके बेबी की हलचल कम हो गई है या फिर धीमी हो गई है, अनियमित हो गई है, तो आपको यह जांच करवाना चाहिए। इसके अलावा आपका बच्चा छोटा है या फिर आपका बच्चा सही ढंग से विकसित नहीं हो रहा है या फिर डॉक्टर को लगता है कि आपको प्लेसेंटा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि बेबी तक ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है या फिर बहुत कम मात्रा में हो रहा है, इसके अलावा एमनियोटिक द्रव्य का स्तर बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो, तो या फिर आपके घर में जुड़वा बच्चे हों या फिर उससे ज़्यादा बच्चे हों, तो इसके अलावा दोस्तों कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है जिसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कुछ और हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी प्रेगनेंसी पर इसका प्रभाव पड़ता है और डॉक्टर यह टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने पहले से भी आपका कोई टेस्ट करवाया है जिसमें कि यह देखा जाता है कि आपका बच्चे का पोजीशन कैसा है, कहीं आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में तो नहीं है या फिर आपके बच्चे का फेफड़ा कितना विकसित हो चुका है या फिर आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर यह सभी जाँचें पहले की गई हैं तो यह देखने के लिए कि बच्चा गर्भ में बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए डॉक्टर आपका यह टेस्ट यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट की जाँच करवाते हैं। इसके अलावा यदि किसी महिला का ड्यू डेट निकल चुका है यानी कि डिलीवरी का डेट निकल चुका है तो डॉक्टर यह देखने के लिए कि गर्भ में बच्चे की स्थिति क्या है ड्यू डेट के बाद, तो उस समय भी डॉक्टर आपका यह टेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनकी प्रेगनेंसी ठीक से नहीं चलती है और आधी प्रेगनेंसी आने के बाद बच्चा गर्भ में जीवित नहीं रह पाता है, तो ऐसे मामले में भी डॉक्टर आपका नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवा सकते हैं और यह आपके प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ता से भी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके बेबी में कोई असामान्यता है या फिर डॉक्टरों को लगता है कि आपके बच्चे के शरीर में कोई जन्म दोष है, तो उस पर नज़र रखने के लिए भी यह टेस्ट करवाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये कारण हो गए। इसके अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर से आपको फॉल्स लेबर पेन यानी कि ब्रैक्सटन हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रैक्सटन हिंग्स संकुचन आपके गर्भाशय में होने वाला संकुचन है जो कि आपको डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा होता है, तो यह आपके संकुचन को भी मापता है। कई बार हो सकता है कि आपको पता ना चले, कई बार महिलाओं को पता चल जाता है कि कभी कभी पीरियड जैसा दर्द होता है और वो आके चला जाता है, तो यह आपका फॉल्स लेबर पेन होता है। तो यह टेस्ट यह भी जांचता है कि आपका संकुचन
किस प्रकार का है और इससे नॉर्मल डिलीवरी होने की कितनी संभावना है। यह संकुचन आपको कभी भी नहीं हो जाता है जब आपकी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद से ये आपको कभी कभी हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यह संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आपको बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो यह समय से पहले डिलीवरी होने का भी संकेत है। अगर यह 37वें सप्ताह से पहले हो रहा है तो 37वें सप्ताह के बाद या फिर तो डिलीवरी कभी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपके सर्वेक्स की जांच करते हैं और देखते हैं कि आपका सर्वेक्स किस स्थिति में है, वो खुल रहा है, लचीला हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना हो गया है, तो डॉक्टर ये सभी चीज़ें भी देखती हैं। आपके संकुचन पर नज़र रखने का एक कारण ये भी है कि संकुचन के दौरान आपके बच्चे की दिल की धड़कन किस प्रकार से चल रही है, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई है या फिर आपके बच्चे के दिल की धड़कन बिल्कुल कम तो नहीं हो गई है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी आपके बच्चे के दिल की धड़कन को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो भी चिंता का विषय है। तो डॉक्टर ये भी देखते हैं कि संकुचन के दौरान आपके बच्चे की दिल की धड़कन किस प्रकार से काम करती है, और यदि डॉक्टर को लगता है कि संकुचन के दौरान आपके बच्चे की दिल की धड़कन कम हो गई है, तो उसका मतलब ये है कि आपके प्लेसेंटा में कोई दिक्कत है जो कि आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुँचा रही है। अब जानते हैं कि टेस्ट के दौरान क्या क्या होता है, मतलब कि टेस्ट की क्या प्रक्रिया होती है। तो टेस्ट कराने से पहले डॉक्टर आपको कुछ खाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट कराने से पहले वॉशरूम चली जाइए, क्योंकि यह टेस्ट आपका 20 मिनट से लेकर 60 मिनट तक चल सकता है, तो इसीलिए वॉशरूम पहले ही जाके फ्रेश हो जाइए और कुछ खा लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खाने के बाद जो है बच्चा कुछ ज़्यादा ही हलचल करता है। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब भी माँ कुछ खाती हैं तो उसके बाद बच्चे कुछ ज़्यादा ही हलचल करने लग जाते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको कुछ खाने की सलाह भी दे सकते हैं ताकि वो आपके बच्चे की दिल की धड़कन को और अच्छे से देख सकें, समझ सकें। दोस्तों, इस टेस्ट के दौरान क्या होता है, या तो आपको बैठा दिया जाता है या फिर आपको लिटा दिया जाता है, पीठ के बल लिटा सकते हैं या फिर आपको बाएं करवट लिटा सकते हैं। लिटाने के बाद आपके पेट पर दो उपकरण बांधे जाते हैं, पहला तो आपके बच्चे की दिल की धड़कन को जांचने के लिए बांधा जाता है और दूसरा उपकरण आपके गर्भाशय में होने वाले संकुचन को रिकॉर्ड करने के लिए बांधा जाता है। और दोस्तों, डॉक्टर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होता है, उस पर डॉक्टर आपके बच्चे की दिल की धड़कन को देखते हैं और सुनते हैं, और आपको जिस प्रकार का संकुचन होता है उसको एक पेपर पे लिखा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको ये भी कहते हैं कि जब भी आपको बेबी की हलचल महसूस हो तो आपको एक बटन दबाने के लिए कहा जाता है। तो डॉक्टर ने कहा है तो उस बटन को दबा दीजिएगा। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे भी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में यह टेस्ट किया गया था, और मेरा टेस्ट मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट चला होगा, उससे ज़्यादा नहीं चला था। और उसके बाद मुझे बहुत ही लंबा सा पर्चा थमा दिया गया था, बाकी डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, नॉर्मल है, तो हमने भी इतना कुछ नहीं पूछा, तो सब ठीक था हमारा। तो खैर, तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपको बता देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको बता देंगे कि सब कुछ ठीक है। तो यह जाँच आप ज़रूर करवा लीजिएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप यह टेस्ट कराने गए हैं और आपका बच्चा आराम कर रहा है, एक घंटा हो गया है, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है, तो फिर डॉक्टर हो सकता है कि यह जांच आपको दोबारा करवाने को बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह टेस्ट कई बार डॉक्टर डिलीवरी से पहले भी करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को दर्द बढ़ाने की दवा दी जाती है, तो उस समय भी यह टेस्ट करवाया जाता है आपके बच्चे की दिल की धड़कन को देखने के लिए, क्योंकि आपको जो दर्द बढ़ाने की दवा दी गई है उससे आपके बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो उस चीज़ को देखने के लिए डॉक्टर डिलीवरी से पहले भी आपका यह टेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि जब आपका संकुचन काफ़ी तेज़ हो जाता है उस पर आपका बच्चा सही प्रतिक्रिया दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अगर डॉक्टर को लगता है कि संकुचन के साथ साथ आपके बच्चे की दिल की धड़कन कम होती जा रही है, तो हो सकता है कि फिर आपका सिजेरियन ऑपरेशन कर दें, और यह जो बेल्ट है आपके पेट पर तब तक लगाया जाता है जब तक कि आप लेबर में जोर लगाने की स्थिति में ना पहुँच जाए। यानी कि आपको पता ही है कि आपका सर्वेक्स जब 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है तो उसके बाद ही आपकी डिलीवरी करवाई जाती है। तो जब आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि अब आप जोर लगा सकते हैं, डॉक्टर को लगता है सब कुछ ठीक है, तो डॉक्टर उस समय आपके पेट से वो बेल्ट हटा देते हैं और आपकी डिलीवरी करवा देते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि संकुचन के दौरान आपके बच्चे की दिल की धड़कन कम होती जा रही है, तो डॉक्टर जो है दर्द बढ़ाने की जो दवा होती है उसका खुराक कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा नॉर्मल स्थिति में आ जाए। लेकिन डॉक्टर को लगता है कि कम खुराक करने के बाद भी आपके बच्चे की दिल की धड़कन कम होती जा रही है, तो फिर आपका सिजेरियन डिलीवरी कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपकी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है और खास तौर से 9वां महीना स्टार्ट हो गया है, तो यह टेस्ट जरूर कराइए। वैसे डॉक्टर करवाते ही हैं, नहीं करवा रहे हैं तो आप उनसे इस बारे में बात भी कर सकती हैं। बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, बहुत ही सस्ता टेस्ट होता है, तो उसे करा लेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के कितने चांसेस हैं। बाकी डिलीवरी के दौरान आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं
नहीं होगी, आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो यह टेस्ट करवा लीजिएगा एंड आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।